असम अपने आप में ही एक अनूठा, एक सुंदर आर्टिस्टिक वेरियस कल्चर आर्ट कस्टम्स ट्रेडिशन एंड नेचर से भरा नेचर फ्रेंडली इको फ्रेंडली स्टेट है। रिवर ब्रह्मपुत्र के बारे में बोलते ही लोगों के मन में आ जाता है असम का नाम। ये स्टेट का जो पहला आइडेंटिटी बोल सकते हैं और दूसरा जो है कैपिटल सिटी गुवाहाटी का एंट्रेंस सोतू से सरायघाट ब्रिज, जो कि ये स्टेट का पहला रेल कम रोड ब्रिज है, जिसको बनाया गया था सन 1958 में और कंप्लीट किया गया था 1962 में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। इसमें स्टील मटेरियल्स का यूज किया गया था और उस समय का 10 करोड़ 60 लाख रुपीस खर्चा हुआ था ये ब्रिज बनाने के लिए। ये ब्रिज का लेंथ जो है वो है 1492 मीटर्स, जो कि 4895 फीट, एंड द रोड ऑन द ब्रिज इज 7.3 मीटर्स यानी 24 फीट वाइड। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने दूसरा एक रोड ब्रिज बहुत ही सुंदर से साइड में, मतलब गुवाहाटी से एग्जिट करने के लिए तैयार कर दिए हैं, क्योंकि पहले वाइड कम होने के कारण सरायघाट ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक इश्यूज बहुत होते थे। रिवर ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो करके तिब्बत में जाना जाता है, क्योंकि ये तिब्बत होके चाइना होके बांग्लादेश को टच करते हैं और ये दुनिया का 9 बड़ा नदी और 15 लॉन्गेस्ट यानी लंबा नदियों में से भी है ये ब्रह्मपुत्र रिवर। आसाम में आपको ब्रह्मपुत्र के ऊपर वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल जाएगा, सच एज फेरी, कार्गो, रिवर क्रूजेस, वाटर टैक्सी सर्विसेज, जो कि हेड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ आसाम। आज हम उसी फेरी टर्मिनल्स, जो कि जहाज घाट से जाना जाता है, जहाँ से फेरी कम्युनिकेशन को लीड किया जाता है गुवाहाटी में, वो सभी के बारे में तो हम ये वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ ही जो इम्पोर्टेंट टर्मिनल्स है यानी खाद, उसी के बारे में जानेंगे ये वीडियो के जरिए। तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ आखिर तक, मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नया वाला ब्रिज बनाया है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से, तो चलिए यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे और हम लोग टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहे हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट है और राइट हैंड साइड में ईस्ट है। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से हम लोग निकलते जा रहे हैं, धीरे धीरे गौर कीजिएगा और अभी सनसेट होने का समय है। राइट हैंड साइड में ये देखिए सरायघाट ब्रिज, रेल कम रोड ब्रिज है। ऊपर से व्हीकल जा रहे हैं जो एंट्री कर रहे हैं गुवाहाटी के अंदर, नीचे से अभी फिलहाल तो ट्रेन नहीं आ रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आपको ट्रेन के साथ ये ब्रिज को नहीं दिखा पाया। ये पूरा ब्रिज देख लीजिए और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। अभी हम जो रोड ब्रिज बनाए हैं, ये नया वाला जो गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने हमने बताया, तो उसी से हम लोग एग्जिट करेंगे गुवाहाटी से और जो सरायघाट ब्रिज है वहां से हम लोग एंटर करेंगे गुवाहाटी में। फिर देखिए हम लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं टू व्हीलर से, जो रोड ब्रिज है ये देखिए मेरे पीछे से पूरा गाड़ी आ रहे हैं। ये रोड ब्रिज है सिर्फ मोटर व्हीकल के लिए, इसमें तो कोई डिवाइडर नहीं है, तो हमको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। अभी हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करने ही वाले हैं, करने के बाद हम आगे जाके जो फ्लाईओवर है फ्लाईओवर के नीचे से मूव करेंगे, मूव करने के बाद हम लोग सरायघाट ब्रिज से गुवाहाटी में एंटर करेंगे। ये नेशनल हाईवे 31 आपको कनेक्ट करेगा, जो आसाम का बॉर्डर उस साइड में है, वेस्ट साइड में मिलेगा और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आप अरुणाचल प्रदेश को जा सकते हो। और तेजपुर जो एक फ्री टायर सिटी है असम के अंदर में, जो लीस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नाम दिया गया था, वो है तेजपुर। एक बार जरूर आइए तेजपुर, विजिट करिए आप लोग, आप लोगों के दोस्तों के साथ, आप लोगों के फैमिली के साथ। चलिए हम लोग डिवाइडर पहुंच चुके हैं, हम लोग नीचे से जाएंगे क्योंकि डिवाइडर नीचे से है और ऊपर से ये आपका फ्लाईओवर है, तो ये नेशनल हाईवे को कनेक्ट करते हैं, लिंक देगा आपको अदर स्टेट में जाने के लिए, आसाम से बाहर होने के लिए। ये देखिए हम लोग फ्लाईओवर के नीचे से मूव कर दिए हैं टूवर्ड्स साउथ गुवाहाटी के तरफ। यहाँ गुवाहाटी आईआईटी आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलिए हम लोग अभी सरायघाट ब्रिज के ऊपर से गुवाहाटी में एंटर करते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे जो भी जहाज घाट वगैरह हैं दिखाएंगे।
देखिए अभी हम लोग सरायघाट ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं, मतलब गुवाहाटी में अंतर कर रहे हैं अभी। और अभी अभी जो हम जो रोड मैंने बताया था वो राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो। आ गया लेकिन जबरदस्त एकदम हिला दिया आज तो। चलिए हम लोग पहुंचने ही वाले हैं एनसी बजवेरी टर्मिनल। ये देखिए रोड कंस्ट्रक्शन का काम ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से हो रहा है। अभी पूरा 6 लेन 4 लेन हाईवे बनाएगा, ये रिवर के ऊपर से नॉर्थ गुवाहाटी को कनेक्ट करेगा। ये देखिए वीर लासीट का नदी के ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं फैंसी बाजार में लासीट घाट करके, क्योंकि जो मैंने स्टेचू दिखाया था ब्रह्मपुत्र के ऊपर सेना लासीट का, तो वो उन्हीं के नाम से ये घाट का नाम दिया गया है लासीट का। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर एक नज़ारा है, ये पूरा फुल्ली एसी वाला रेस्टोरेंट है। शाम के समय पे आपको नदी के बीच में लेके जाएगा और एक अच्छा वाला रोमांटिक वाला फील आप लोगों को करवाएगा। अंदर से जब लेके आते हैं तभी इसका मज़ा आता है। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के। पानी बहुत बढ़ गया है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, क्योंकि कुछ दिन पहले बहुत फ्लड हुआ था और फ्लड के कारण ये देखिए पानी बहुत बढ़ गया है अभी। तो ये सभी यहाँ आओगे तो आप लोग दोस्तों के साथ टाइम बिताने का, नदी के ऊपर से सफारी करके एक मज़ा लेने का अलग ही मज़ा आएगा। चलिए ये दिखा दिए हैं हम लोगों ने लासीट घाट, आगे जाएंगे एक दूसरा घाट में भी। बर्मन ब्लॉग का वीडियो अगर आप नए से वॉच कर रहे हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दूसरा वाला घाट की तरफ। राजद्वार पार घाट भी बोलते हैं। ये देखिए ये इसको डोल गोविंद मंदिर को लेके जाएगा नॉर्थ गुवाहाटी में जो है। ये देखिए पानी कितना बढ़ गया है। अनफॉर्चुनेटली फेरी सर्विसेस अभी बंद है, बिकॉज ये आप लोग पानी देख पा रहे हो इसीलिए मैं ये पानी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए एकदम रास्ते के पास में ही पानी आ गए हैं। यहाँ से आप अगर गौर करोगे तो वो सरायघाट ब्रिज को थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे। हम थोड़ा सा और नज़दीक जा के दिखा के आते हैं। तो पानी ज़्यादा होने के कारण ये अभी फ़िलहाल बंद है। ये सभी देखिए जहाज, मज़ा आता है लेकिन यहाँ से सफ़र करते हुए। जलपरी ये है शुक्रेश्वर घाट, यूनिट ऑफ आसाम टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ आसाम। थोड़ा सा देखिए अंदर क्या है। यहाँ से आपको लेके जाएगा अंदुनाथ और यहाँ से क्रूजेस भी आप लोग हायर कर सकते हो। थोड़ी दूर में जो आप लोग देख पा रहे हो एक शिव बाबा का एक मंदिर है शुक्रेश्वर मंदिर, तो इसीलिए ये घाट का नाम रखा गया है शुक्रेश्वर घाट। चलिए हम लोग इसी के साथ निकल जाते हैं यहाँ से और वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं आज।